जब बच्चे की बढ़त कम होती है यानी वाजवी पेक्षा जितना एक्सपेक्टेड है उससे वजन कम दिख रहा है या बच्चे की बढ़त उतनी नहीं हुई है तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अगर हम कुछ खाद्य पदार्थ दें तो उससे पक्का बच्चे का वजन बढ़ जाएगा, पर सबसे जरूरी है कि हम कारण ढूंढें कि क्यों बच्चे का वजन कम है। जैसे कि अगर हाई ब्लड प्रेशर है यानी प्री एक्लैम्शिया यानी प्रेगनेंसी में अगर बीपी बढ़ गया है जिसके कारण बच्चे को खून पुरोठा कम हो रहा है तो हमें ब्लड प्रेशर कम होने की गोलियां देनी पड़ेंगी ताकि बच्चे को खून पुरोठा ज़्यादा हो और बच्चे का वजन बढ़े। दूसरा डायबिटीज, अगर माँ की शुगर ज़्यादा है तो उसके कारण भी बच्चे को IUGR हो सकता है, तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करना ज़रूरी है। अगर कोई इन्फेक्शन के कारण है तो इन्फेक्शन को ट्रीट किया जाना चाहिए। अगर जेनेटिक डिसऑर्डर्स यानी SLE वगैरह के कारण अगर IUGR हो रहा है तो वो कारण को भी हमको ट्रीट करना पड़ेगा, तभी जाके हम IUGR को ठीक कर सकेंगे। पर अगर सिमेट्रिक IUGR है यानी कि बच्चे के हर अंग जैसे कि सर, पेट, पांव, हाथ सभी एक जैसे ही कम है तो इसको हम सिमेट्रिकल IUGR कहते हैं। तो इसके कारण ऐसे होता है कि अगर माँ और पिता दोनों ही छोटे हैं तो उसके कारण बच्चा भी कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल हो सकता है, उसको हम सिमेट्रिकल IUGR कहते हैं। लेकिन अगर एसिमेट्रिकल IUGR है, मतलब बच्चे के बाकी सब शरीर के अंग ठीक से बढ़ रहे हैं सिर्फ बच्चे का पेट ही 80% बच्चों में कम है, तो उसे हम एसिमेट्रिकल IUGR कहते हैं। और उसको ये सब ट्रीटमेंट यानी इकोस्प्रिन की गोलियां जिससे बच्चे को खून पुरोठा बढ़ता है, मांडी पे लगने वाले इंजेक्शन जिसको हम लो मॉलिकुलर वेट हिपैरिन कहते हैं वो हम लगा सकते हैं रोज ताकि बच्चे का खून पुरोठा बढ़े, इन्फेक्शन कंट्रोल होने की, बीपी कम होने की ये सब गोलियां दे सकते हैं। तो इससे बच्चे का वजन बढ़ता है और बच्चे की ग्रोथ एज के हिसाब से हो सकती है।